ड्राइव पे, और यहाँ पे देख सकते हैं ये भाई का अलग ही जलवा है। चलिए इनसे बहुत सारे बातें करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा निकनेम बताऊं या जो वायरल नाम चल रहा है वो बताऊं? जो नाम है वो बताइए अपना। भी मेरा नाम वैसे तो कन्हैया कुमार हुआ। कन्हैया कुमार? हाँ जी हाँ जी। आप लड़की के गेटअप में है तो क्या नाम रखे हैं आपने? वो तो पब्लिक का प्यार है, पब्लिक का दुलार है, जो हमको पटना वाली भौजी के नाम से यहाँ फेमस कर दिए हैं। पटना वाली भौजी के नाम से फेमस है? हाँ जी हाँ जी। यूट्यूब इंस्टाग्राम पे कहीं भी सर्च मारेंगे पटना वाली भौजी एक नंबर सेक्शन पे मेरा आएगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा घर हुआ कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश? हाँ जी हाँ जी। यहाँ रंजना यादव भी आई हुई है, आप भी उत्तर प्रदेश आए हैं। क्या पटना जो है ये वायरल करने वाला जगह है क्या? बिहार की धरती है भैया, प्रचंड धरती है। हाँ, अच्छे अच्छे कलाकारों का हुनर पहचाना जाता है। हेटर्स कमेंट पहले आता है जी, कमेंट मतलब जो होता है वो पहले, हम ये हमारा मानना ये है कि उस पर ध्यान ना दो, अपना काम करते रहो। पब्लिक का प्यार, पब्लिक का सपोर्ट, पब्लिक का और जनता का आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, लोग स्टार बना देते हैं। जी हाँ जी। 10 दिन का प्यार, ऐसा लग रहा है साला 10 साल हम यहाँ पे रन कर रहे हैं। हाँ, 10 दिन में प्यार मिल गया। 10 दिन मात्र यहाँ पे, अब मरीन ड्राइव पे तुर्की वाले भैया जो आइसक्रीम वाले हैं उनके यहाँ हम काम किए, मात्र 10 दिन वीडियो बनाए हैं, और 10 दिन में मेरा हर एक वीडियो 1 मिलियन 2 मिलियन 250 500 के ऐसे करके मेरा हर चीज चल रहा है बढ़िया अच्छा खासा। भाई आप देख सकते हैं पटना के जो मरीन ड्राइव है आजकल वायरल होने का एक बहुत बड़ा यहाँ पे हब बन गया है, वायरल हब कह सकते हैं। कैसा लग रहा है भाई पटना में आपको? पटना में भैया बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? पटना का जो प्यार है ना, प्यार वो कोई मतलब वो तोल नहीं सकता उसका। अच्छा, लड़की के गेटअप में आप हो जाते हैं, लाज नहीं लगता है, लज्जा नहीं आता है? आर्टिस्ट और कलाकार जो होते हैं ना, कलाकार को हुनर को तराशने की जरूरत नहीं है, वो अपना हुनर पे आ जाए तो माँ भी बन सकता है, बाप भी बन सकता है, बीवी बन सकता है, बहन भी बन सकता है, भाई बन सकता है। जब लड़कियाँ जींस पहन सकती हैं, फटे कोटे उर्पी जावे, जब इतना मतलब रफ काम करके और रफ ड्रेस वगैरह पहन के जब स्टार बन सकता है, तो हम तो भाई साड़ी पहने भाई। जब खेसारी लाल, पवन सिंह, गोविंदा, चिंटू, ये सब बड़े बड़े कलाकार जो है जब साड़ी पहन सकते हैं तो छोटा कलाकार साड़ी क्यों नहीं पहन सकता है? छोटा कलाकार साड़ी। अच्छा एक बात बताइए, आप साड़ी के गेटअप में है, आपके घर वाले वीडियो में देखते हैं तो क्या रिएक्शन होता है? दरअसल बात यह है कि शुरू में जब मैं नया दिन काम किया था, 2 से 3 दिन में अपने फैमिली में किसी को बताया नहीं था। जैसे जैसे मेरा वीडियो ट्रेंड करने लगा, जब वीडियो के बारे में घर के लोग को बताने लगा कि हाँ ये 1 मिलियन 2 मिलियन का जा रहा है वायरल, चल रहा है लड़का ये, तो मतलब फैमिली से भी सपोर्ट मिलने लगा। तब फिर फैमिली वाले देखे तो क्या बोले, फोन पर क्या बोले आपको? फोन पे तो मतलब उतना बात नहीं कर पाते, समय मिल नहीं पाता है। वैसे मैं ग्रेजुएशन भी किया हूँ, मैं फार्मेसी कर रहा हूँ, मैं मेडिकल। ग्रेजुएशन किया आपने? हाँ जी, मैं बी फार्मा कर रहा हूँ चौरसिया कॉलेज हाजीपुर से। आप वायरल होकर के क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या वायरल होना चाहते हैं, क्या दोनों? सबका जो एम है वायरल होना, वायरल होना और सोशल मीडिया से पैसे कमाना चाहते हैं। पॉइंट है बिग बॉस में जाने का। बिग बॉस? हाँ जी, चाहे उसके लिए जितना मेहनत करना पड़े आदमी किया जाएगा। बिहार का पब्लिक, बिहार का जनता सपोर्ट करेगी और उसके वोटिंग से हम एक ना एक दिन वायरल बिग बॉस में जाएंगे, और बिग बॉस में अपना बिहार का जो प्रचंड जलवा है एकदम दिखाना ही दिखाना है। बिग बॉस में जाने का सपना है? हाँ जी हाँ जी, लास्ट टारगेट मेरा भाई लड़का है, ये लड़की बन गई है, तो क्या जींस वगैरह जो है, टी शर्ट वगैरह शर्ट अभी आपने छोड़ दिया है, कब पहनते हैं आप? बात ये कला की, जब आदमी प्लेटफॉर्म पे उतरता है तो अपना गेटअप ले लेता है, फिर उसके बाद से जैसे नॉर्मल आदमी रहता है हम भी रहते हैं। आप कितना से कितना बजे तक आप साड़ी वाला गेटअप रहते हैं? मैं 6 बजे आ जाता हूँ मरीन ड्राइव, 6:30 पे, और लास्ट 10 बजे तक चलता है। आज ही मैं सेलिब्रेट किया, 1 मिलियन 2 मिलियन बीच का केक काटा हुआ है तुर्की आइसक्रीम वाले भैया के पास, जनता का प्यार मिला है, और एक अभी गाना शूट हुआ है, बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जितना यहाँ पे लड़कियाँ आके प्रोग्राम करके अपना माहौल बना के नहीं कर रहे, उतना एक लड़का आके और कहने का मतलब वही। कैसे कैसे ध्यान में आया आपको कि मरीन ड्राइव पे जाना है, वहाँ पे साड़ी पहनना, ये दिमाग में कैसे आया? क्रिएटर जो मेन क्रिएटर होता है उसका कहीं ना कहीं दिमाग चल जाता है कि प्लेटफॉर्म पे कैसे काम करना है, कॉन्टेंट मैटर करता है, जब नया कॉन्टेंट आएगा तो प्लेटफॉर्म में आएगा ही आएगा। आपको पता है कि यहाँ पे ज्योति वायरल हुई थी, ज्योति? हाँ जी हाँ जी। तो क्या ज्योति को देख कर क्या है? नहीं, ऐसा कोई तो मैटर नहीं कि ज्योति को देख के हम आए हैं। आपको लगता है कि जो मरीन ड्राइव है हमारा पटना, ये वायरल होने का एक अच्छा जगह है? ऐसा तो हम एकदम दिल खोल कह सकते हैं, आपके अंदर हुनर है, टैलेंट है, पब्लिक को प्यार और जनता का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो अपना हुनर एक बार आइए दिखाइए। अगर मतलब वायरल होना चाहते हैं तो पटना के मरीन ड्राइव पहुंचिए। एकदम एकदम प्यार है। अच्छा आप आशीष यादव, रोशन रोही का गाना सुनते हैं? हाल ही में उनके साथ मेरा इंटरव्यू हुआ है। हमारा मघी दर्शक, मघी परिवार, मघी इंडस्ट्री हमारा देखता है, आशीष यादव, रोशन रोही, सारे हमारे तमाम सुपरस्टार वीडियो को देखते हैं। अच्छा जी, आप लड़की के गेटअप में, क्या आपको एल्बम मिलता है तो काम करेंगे? एकदम करेंगे भैया, जलवा अभी तो थोड़ा सा 10 दिन काम हुआ, थोड़ा सा माहौल बनने दीजिए। कन्हैया जो है पटना वाली भौजी मार्केट में बहुत नया नया ब्रांड लेके आ रहे हैं। अच्छा आप लड़की तो बन जाते हैं, लेडीज के रोल में आ जाते हैं, ये मोछ दाढ़ी क्यों नहीं छिलाते हैं? कॉन्टेंट है दाढ़ी में साड़ी, दाढ़ी में साड़ी, यही कंटेंट है। मैं शुरू शुरू में जब काम कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे लोग दाढ़ी में साड़ी करके मतलब वायरल करेंगे, मतलब आवाज देंगे, बुलाएंगे,
लेकिन यहाँ तो माहौल, पब्लिक का प्यार ऐसा मिला का बिहार के नाम से ही, जिले के नाम से ही मुझे फेमस कर दिया पटना वाली फौजी। मतलब सोशल मीडिया पे आप रहना चाहते हैं, सोशल मीडिया से कमाना चाहते हैं? सोशल मीडिया पे के साथ मैं रहना चाहता हूँ और मैं विवादों में नहीं रहना चाहता हूँ। मैं काम करके मैं पब्लिक से यही प्यार चाहता हूँ कि मैं विवादों में किसी के नहीं रहना चाहता हूँ और मैं काम करना चाहता हूँ। आपका गेटअप देख करके अच्छा लगा, आपको कैसा फील होता है? आप साड़ी पहन ले हैं, ये इतना बढ़िया पहन ले, चश्मा पहन ले है और दाढ़ी मोछ भी है, क्या फील होता है? अच्छा लगता है, बस काम करने में मजा आता है। मजा आता है काम को, मतलब ज्यादा प्रेशर लेके नहीं करते हम, थोड़ा इंटरटेन के साथ करते हैं, माहौल हमको ही मजा आता है, चार आदमी को और मजा आता है। चलिए थैंक यू सो मच आपको। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अपना ख्याल रखें, फैमिली का, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।